वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारे वीडियो नंबर 95 और उसमें हम अकाउंटिंग रेशियोज में आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो थी अकाउंटिंग रेशियो की इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं, अकाउंटिंग रेशियो किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि क्यों निकाला जाता है, किस लिए निकाला जाता है, और बड़ी थी कुछ बेसिक टर्म्स। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लो, वीडियो नंबर 94 है वो। आज की जो वीडियो है वो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं, कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूं जिसको हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ते टाइम इग्नोर करते हैं, और उस इग्नोर करने की वजह से हम अकाउंटिंग रेशियो कभी भी नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यह है कि आज जो चीज फॉर्मूले, जो कुछ भी फॉर्मूले मैं यहां पढ़ाने वाला हूं, वो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये रेशियोज में कभी भी पूछे ही नहीं जाते, बट इनडायरेक्टली ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा काम आते हैं। सो आज हम उन फॉर्मूलों को देखेंगे जो कि हमारे काम आते हैं बट कोई भी रेशियो नहीं है उसमें। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक चीज जो कि हमने अकाउंट्स के बचपन, जब से हमने अकाउंट्स पढ़ी है तब से पढ़ा था, बट वो फॉर्मूला हमें याद नहीं, वो कौन सा फॉर्मूला है? हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था बैलेंस शीट, जिसका टोटल बहुत कम मैच किया जाता था। ठीक है, तो बैलेंस शीट एक ऐसी शीट थी जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर आने चाहिए थे। अगर हमारे बराबर नहीं भी आते तो हम जनरली बराबर कर देते थे। इस तरह लिखा जाता था कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी होती थी। इस तरफ आता था एसेट्स, एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स, सारे एसेट्स, ठीक है, और इन दोनों का टोटल होता था बराबर। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारी बैलेंस शीट से निकल के आया है वो ये है, दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी। अब क्योंकि हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं तो यहां कैपिटल की जगह आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड। तो हमारा पहला फॉर्मूला जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में या क्लास 11 में पढ़ा था, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो फॉर्मूला भी यहां पे काम आएगा। बट द डिफरेंस इज एसेट्स या टोटल है, कैपिटल की जगह आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी वही है, बस कैपिटल शेयर होल्डर फंड में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने वहां पढ़ी थी इंडिविजुअल, यहां हम पढ़ रहे हैं कंपनी। तो फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी एसेट्स इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला शायद कहीं नहीं पूछा जाएगा, पर बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन होंगे भी नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले कहीं नहीं पूछे जाते, बट विदाउट देम द क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट फॉर्मूला समझ लो। अब भाई ये बात आती है कि टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स का मतलब सारे एसेट्स, तो टोटल एसेट्स का भी फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स के अंदर सारे एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स का मतलब सारे एसेट्स, करंट एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट्स हो। अब करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिनसे हमें लगता है करंट, यानी कि वो एसेट्स जो कि साल भर के अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। तो करंट एसेट्स आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, मैं नाम देता हूं, जैसे डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, शॉर्ट टर्म एडवांस हमने किसी को दे दिया है, तो ये हो गए हमारे करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो कि लंबे समय तक चलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मशीनरी, ये सारी चीजें। ठीक है, करंट एसेट्स में आपका कैश वगैरह भी आ जाता है। तो टोटल एसेट्स का जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली कहीं नहीं पूछा जाने वाला, पर इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला काम आने वाला है। सॉरी, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, जब भाई एसेट्स ऐसे कर रही है हमने तो लायबिलिटी को क्यों छोड़े, तो टोटल लायबिलिटी भी हो जाएगी क्या, करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, इसको लॉन्ग टर्म, इसको शॉर्ट टर्म या फिर करंट बोला जाता है। ठीक है, ये भी वही फॉर्मूला हो गया भाई, जैसे टोटल एसेट्स को टुकड़े करा हमने कि भाई करंट एसेट प्लस नॉन करंट, वैसे टोटल लायबिलिटी को भी टुकड़े में कर दिया, करंट प्लस नॉन करंट। अब समझ लो एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, जो हम ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो लायबिलिटी को लायबिलिटी के नाम से नहीं जानते हम कई जगह इसको कन्वर्ट करके बोलेंगे
डेप्थ कई जगह इसको कन्वर्ट करके क्या बोलेंगे डेप्थ। तो टोटल डेप्थ इक्वल्स टू करंट डेप्थ प्लस नॉन करंट डेप्थ, ठीक है। और जनरली डेप्थ वर्ड जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए, समझना ये थोड़ा सा क्या टिपिकल है, क्या टिपिकल है इसको समझ, क्योंकि आपकी किताबों में समझना अगर टोटल डेप्थ दे रखा है तो इसका मतलब तो है भाई टोटल लेंथ, इसका मतलब तो क्या है टोटल लेंथ। बट समझना एक बहुत छोटी सी चीज है जो कि पता नहीं क्यों ऐसा देते हैं, डेप्थ दे रखा है सिर्फ डेप्थ, टोटल लेंथ नहीं सिर्फ डेप्थ। तो इस डेप्थ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लायबिलिटी। कंफ्यूज हुआ, कंफ्यूज क्यों हुए हम, क्योंकि भैया टोटल डेप्थ को टोटल लायबिलिटी बोला गया है तो डेप्थ भी यही होनी चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग ये क्यों है, कंफ्यूजिंग ये इसलिए है क्योंकि अगर टोटल डेप्थ है तो टोटल लायबिलिटी बोला जाएगा, पर अगर सिर्फ डेप्थ दे रखा है तो सिर्फ डेप्थ का मतलब होता है ये नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भाई टोटल लायबिलिटी की जगह लिखा टोटल डेप्थ इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ बोल लो या फिर सिर्फ डेप्थ बोल लो या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल लो, ठीक है। तो जैसा हमारा एसेट्स का फॉर्मूला था वैसा ही लायबिलिटी का फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है कि अब हम लायबिलिटी की जगह डेप्थ वर्ड यूज करते हैं। डेप्थ जनरली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में टोटल डेप्थ दे रखा है तो उसका मतलब है टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी का मतलब उसमें करंट भी इंक्लूड है और नॉन करंट भी इंक्लूड किया गया है, समझ में आ गया। तो टोटल डेप्थ का मतलब करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। और नॉर्मल डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, समझ में आया। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन करो, एक फॉर्मूला और लिखते हैं। ये तो हो गया इसके बैलेंस शीट के फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और आता है हमारा जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा वाला फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल, ये आप लोगों को पता होगा। सीए मतलब करंट एसेट्स, सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है गाइस। तो ये देखो आप दो चार फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्टली कहीं नहीं पूछे जाएंगे, बट इन फॉर्मूलों की मदद से ही हमारे क्वेश्चन आगे होने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को देख लो, आगे बढ़े। एक फॉर्मूला और मुझे यहां पे आप लोगों को लिखाना है जो कि शायद काम आएगा अपने, जो कि फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है, ये फॉर्मूला समझने के लिए हमें बैलेंस शीट पर आना पड़ेगा। पहले मैं इसका बेसिक फॉर्मूला लिखाता हूं क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कि टोटल एसेट्स ये, इसमें से सिर्फ करंट लायबिलिटी हटा दी तो आ गया, ठीक है। और समझना, इसकी मदद से मैं एक फॉर्मूला और जनरेट कराता हूं, ठीक है, जो शायद आपकी कॉपी में बहुत लास्ट में मिलेगा पर वो अभी काम आ जाएगा हमारे। देखो हमने अभी पढ़ा कि टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी। मैं नया फॉर्मूला जनरेट करा रहा हूं, एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा बेसिक जो है शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी। जो मैं टोटल कैपिटल को लिख देता हूं, टोटल एसेट्स को लिख देता हूं कैपिटल प्लस, अभी कैपिटल लिख रहा हूं बाद में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एक ही चीज होती है, कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी, ठीक है। हम कैपिटल को भी शेयर होल्डर फंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई समझने के लिए मैं आपको कैपिटल और शेयर होल्डर फंड सेम बता, ठीक है। टोटल एसेट्स से ये लिख दिया क्योंकि टोटल एसेट्स का मतलब ये नहीं होता है माइनस करंट लायबिलिटी। अब समझ रहे इस चीज को, कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी का क्या फॉर्मूला आया, टोटल लायबिलिटी क्या लिख सकते हैं करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। पढ़ा ना भाई अपने कि भाई टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है सारी करंट प्लस नॉन करंट, माइनस सीएल तो हमारे पास है, ये कटा। तो एक फॉर्मूला और हमारा जनरेट हो गया, कैपिटल प्लस नॉन करंट
लायबिलिटी। ठीक है, हम इसको अपनी सीधी साधी भाषा में लिखते थे तो कैपिटल का मतलब हमारे यहां क्या है, हम शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को क्या लिखेंगे हम, नॉन करंट लायबिलिटी को या तो नॉन करंट लायबिलिटी लिख दो या फिर लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो या तो नॉन करंट में भी छोड़ो तो भी सेम है, लॉन्ग टर्म में भी छोड़ो तो भी सेम है। ठीक है, इसकी जगह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को चाहो तो आप डेप्थ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला उन्होंने क्या जनरेट करा कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि डेप्थ। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमने जनरेट करे, एक तो जो बेसिक था टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और दूसरा क्या था शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि हमारे यहां न तो रेशो में आएंगे न कहीं और आएंगे। ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बीच में आएंगे। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आराम से चलेंगे क्योंकि रेशो काफी ट्रिकी चैप्टर होने वाला है। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट सट्टा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमारा वेबसाइट है www.soulstruggler.com जिसपे जाके आप अकाउंट्स इको बिजनेस तीनों की सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं।